2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश में राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन बनाने का सपना सजोए बैठी कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। ये झटका दिया है पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी महागठबंधन की अगुवाई करने लायक नहीं है और ना ही वो पीएम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक गठबंधन के तौर पर भाजपा का मुकाबला करने की तैयारी में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के इस स्टैंड ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल ममता बनर्जी को अभी भी राहुल गांधी में राजनीतिक अनुभव की कमी नजर आ रही है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी के पास अध्यक्षता के लिए भी अनुभव की कमी है, ऐसे में उनके साथ कैसे काम कर सकती हूँ। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस तरह से प्रधानमंत्री के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद महागठबंधन के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।